हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रेमचंद आपके लिए गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में त्रिकोण विधि के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अपने जो पार्ट है त्रिकोण विधि, जो मैं पूरा बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बहुत करूँगा, जो पूरा हमारा जो लेवल रहेगा स्टैंडर्ड SSC रेलवे पटवार सभी के लिए कम्प्लीटली क्लियर करके चलूंगा। आज मैं आपके लिए पार्ट वन लेके आया हूँ। इस पार्ट वन के अंदर हम पूरा त्रिकोण विधि बिल्कुल बेसिक नॉलेज, टेबल्स, एक सारे फॉर्मूलेस, सारे आइडियाज, सारे के डिटेल्स जानकारी लेंगे। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी त्रिकोण विधि पढ़ाऊंगा आपको, बट कहीं भी जहाँ तक हो सके फॉर्मूले टेबल्स का कहीं भी यूज नहीं आने। दोस्तों आप इसके लिए मेरे वीडियो डेली देखते रहिए। आज मैं पार्ट वन दे रहा हूँ आपको, कल मैं पार्ट टू, फिर पार्ट थ्री, इस पास आपको डेली एक एक पार्ट डेली प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों चलें, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति जो चलती है वो तीन कोणों पे चलती है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहूं कि जैसे डिस्कस किया जाए कि त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति बात करें, एक मैंने ट्राइंगल लिया, अब ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में अभी आधार कौन सा है, बेस कौन सा है, लंब कौन सा है, परपेंडिकुलर या डायगोनल कर्ण कौन सा है। जनरली हम लोगों का एक सवाल होता है कि सर ये तो हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा एक ट्राइंगल की मैंने बात करी दोस्तों, ये मेरा है आधार, ये मेरा हो गया कर्ण, ये मेरा हो गया लंब। अब दोस्तों जनरली बात है कि लोग आधार लंब कर्ण सब बोलते हैं, पर अभी क्या डिसाइड है कि वास्तव में लंब और आधार क्या, मैं कह सकता हूं नहीं कह सकते दोस्तों। अभी जनरली हम लोग पढ़ता है ये कोण हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है। आदि तक हम लोग ये पढ़ता है कि हमें जो हमारा लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे वाला आधार बताया गया और ऊपर वाला जो लंब बताया गया, सामने वाला 90 डिग्री सामने का कर्ण बताया गया। और दोस्तों एप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। डिसीजन लंब और आधार का कहां से किया जाता है, तो लंब और आधार का डिसीजन किया जाता है थीटा एंगल के द्वारा। जब तक थीटा एंगल नहीं पता होगा आपको, वहां तक आप लोग लंब और आधार का डिसीजन नहीं कर सकते। दोस्तों अगर ये थीटा कोण यहां बना हुआ है, अब जाके आप लोग इसको बोल सकते हैं आधार और ये बोल सकते हैं लंब, ये बोल सकते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने भुजा होती कर्ण, थीटा के सामने भुजा होती लंब। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्ण जिस भुजा के साथ में थीटा कोण बनाता है वो हमारा आधार कहलाता है। अगर मैं यही बात करूं अभी सेकंड डायग्राम मेरा, यही मेरा क्या है अभी, लेकिन दोस्तों ये मेरा क्या थीटा कोण, अगर मैंने थीटा कोण यहां पर बनाया और थीटा कोण मैं जगह बनाता हूं, तो मेरा अब यहां पर क्या होगा, तो थीटा के सामने मेरी भुजा क्या कहलाती है, जनरली दोस्तों कहलाती है लंब कहलाती है। 90 डिग्री यहां बना हुआ कोण होता है परमानेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 90 डिग्री सामने की भुजा जो हमारी कहलाती है कर्ण, और थीटा डिग्री जो कर्ण के साथ में कोण बनाती है वो हमारा कहलाता है आधार। ये एक बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज हमें जनरली पता होना चाहिए। तो यहां तक हमें पता है कि नीचे वाली भुजा आधार तब कहलाएगी जब थीटा कोण के साथ बना होगा, और थीटा कोण ऊपर कोने पर बना होगा तो ये कहलाएगा आधार, नीचे कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा कर्ण। इसके साथ दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आगे त्रिकोण विधि हम लोग हल करते हैं। त्रिकोण विधि के मेजर भी हम लोग 6 पार्ट को लेकर चलते हैं, 6 रेशियो को लेकर चलते हैं, जिनका नाम है दोस्तों साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमें बहुत बेटर तरीके से पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक सीटे वाली तरीके से आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो है साइन थीटा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने लिया एक साइन थीटा, दूसरा मेरा है कॉस थीटा, तीसरा मेरा है टेन थीटा, अगला मेरा होगा कॉस थीटा, अगला है मेरा सेक थीटा और लास्ट है कॉस थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं हमारे पास। अब बहुत सारी बार हम लोग इनको रटते हैं, पलटी हुई चीज दोस्तों धोखा दे देती है एग्जाम के अंदर, तो हमें इनको रटने की जरूरत नहीं।
हमें इनको सीखने की जरूरत है। दोस्तों तो सीखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो मेरा तरीका है जिसको हम लोग लेके चलेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। दूसरा मैंने इसका वो है दोस्तों अक्का बटे लाल, अक्का बटे लाल। दोस्तों दो तरीके बताए मैंने, लाल बटे कक्का और एक मेरा अक्का बटे लाल। अब देखिए बात करें हम लोग कि जनरली देखिए लाल बटे कक्का ये हो गया मेरा लाल बटे कक्का और एक हो गया मेरा अक्का बटे लाल। अब दोस्तों जनरल हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं कि साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, टेन का मान होता है लंब बटे आधार, इस प्रकार से रटते हैं और काफी सारे बार रटने के बाद हम लोगों को कहीं कहीं कंफ्यूज होके भूल जाते हैं। तो रटे नहीं दोस्तों, यहां पर जनरली मैंने लिखा ए, इस एल का मतलब मेरा होगा लंब से, के का मतलब होगा कर्ण से, ए का मतलब मेरा होगा आधार से। पहला पहले के लिए काम आएगा, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, चौथा चौथे के लिए आएगा, किसी प्रकार। बस आप लोगों को अपना ये छह नाम है इनको सिस्टमेटिक क्रम पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, ये क्रम बिल्कुल आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से याद करते चले। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन थीटा जो मेरा है, साइन थीटा मेरा मान जो है वो हो गया मेरा लाल बटे के, यानी कि एल बटे का। कोस का मान जो मेरा होगा वो मेरा होगा, जनरल देखें हम लोग आगे, तो कोस का मान मेरा है वो है दोस्तों ए बटे का। टेन का मान मेरा होगा वो होगा लंब बटे का आधा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि साइन का जनरली उल्टा कोसेक होता है, अगर आपको साइन का पता है तो कोसेक भी आपको सामने आ जाएगा, अगर कोस का पता है तो आपके सामने सेक आ जाएगा, और अगर टेन का पता है कोण का भी आ जाएगा। मैंने तो ये समझा होते जिसके इनवर्सली अपोजिट होते हैं। कोण की बात करें तो कोण का मान जो होगा एन का अपोजिट, यानी कि आधार बटे का लंब होगा। आधे सेक के लिए कोस का उल्टा होगा, यानी कि कर्ण बटे आधार होगा, और कोसेक की बात करें तो कोसेक साइन का उल्टा होगा, यानी कि कर्ण बटे लंब होगा। ओके अब आगे बढ़े, एल को मैंने जैसा कि अभी बोला आपके सामने कि एल को मैं कहूंगा लंब बटे का कर्ण कहूंगा। ओके एल को मैं कहूंगा यहां पे कि आधार बटे कर्ण कहूंगा। नेक्स्ट आगे एल को मैं बोलूंगा वापिस लंब कहूंगा, और ए को बोलेंगे आधार बोलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर उल्टा हो जाएंगे, आधार बटे का लंब। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें हम लोग के का उल्टा, यानी के की बात करें तो के को मैं कहूंगा कर्ण बटे का आधार कहूंगा, और के की बात करें तो के को मैं कहूंगा यहां पर कर्ण बटे का लंब। ओके मेरे दोस्तों ये तो जनरली मैंने छह रेशियो सीखे, साइन का मान होता लंब बटे कर्ण, कोस का मान होता आधार बटे कर्ण, टेन का मान होगा लंब बटे आधार, कोस का होगा आधार बटे कर्ण, और सेक का होगा कर्ण बटे आधार, कोस का होगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे दोस्तों देखिए आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि जस्ट ये देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, अब साइन का अपोजिट कोसेक था, मैं इसको आगे और देखना चाहूं तो आगे आप
कीजिएगा कि जनरली हम लोग देखें आगे, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं सारे पार्ट को, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब जनरल हम बात करें कि मैंने जब कभी आपको कहा है कि दोस्तों ध्यान दें कि साइन का पोजिट कोसेक होता है, तो जब इनके बटे में कुछ नहीं होगा तो क्या मिनिमम क्या होगा इनके बटे में? एक तो होगा ही होगा सबके बटे में। जब इनके बटे में कुछ नहीं होगा तो मिनिमम सबके बटे एक होता है, एक होता बटे में सबके, इसके बटे में कुछ नहीं होगा एक तो होगा। अब मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, साइन का मान अगर मैं 10-4 के टेबल से प्राप्त करना चाहूं तो देखिए चार के अंदर तो साइन का पोजिट क्या होगा, तो साइन का पोजिट होगा 1/cosec थीटा होगा। ओके जस्ट आगे और डिस्कस करें हम लोग आगे, देखिए कि कॉस का अपोजिट क्या होगा, इस कॉस का अपोजिट क्या होगा, तो कॉस जनरल अपोजिट होता है सेक का, तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा। आगे टेन जनरली कोट का उल्टा होता है, टेन जनरली कोट का उल्टा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा। आगे कोट को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ओके अब कोसेक की बात की जाए तो सेक की बात करें दोस्तों तो सेक को मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा। नेक्स्ट आगे कोसेक को मैं लिख सकता हूं, कोसेक की बात करें तो कोसेक को जनरली हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये मेरे दोस्तों एक बेसिक डायग्राम, बेसिक चीज है जो साइन कॉस टेन कॉस के लिए आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिए आगे आगे चले हम लोग, तो एक मेजरली पार्ट होता है जिसका नाम है हमारे पास में, वो है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा दोस्तों, अब एक टेन थीटा है, देखिए इधर टेन थीटा, अब इस टेन थीटा मान से होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा काम आएगा अपने पास में। टेन थीटा का मान जो होता है वो होता है दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये बहुत काम आने वाली चीज है हमारे पास। आगे जस्ट अभी मैंने कहा था आपसे कि टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों कॉट थीटा होता है। तो क्या टेन का मान साइन बटे कॉस है, तो क्या मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या कॉट बन जाएगा, तो बनेगा हाँ, तो देखे तो आगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे अब दोस्तों ध्यान दीजिए आगे कि मेरे पास में तीन सर्व समीकरण होती है, तीन सर्व समीकरण हमारे पास होती है जिसके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बनाती है। दोस्तों तीन सर्व समीकरण होती है जिनकी वैल्यू हमारे पास हमेशा एक होती है, उनको हम लोग डिटेल से सीखते हैं। तो पहली सर्व समीकरण मेरे पास है जिसको मैं कहता हूं जनरली एस सी, एस सी दोस्तों किसी जाति सूत्र शब्द की यूज नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए मैंने किया है एस सी। एस सी मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एस सी मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक। पहली सर्व समीकरण मेरे पास, इस पहले सर्व समीकरण की बात करें तो पहले सर्व समीकरण मान मेरे पास होता है एस सी, जिसे मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं एस सी, दूसरी एस टी, तीसरी सी सी, यानी एस सी यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं इनमें से किसी एक टर्म को दूसरे पक्ष से डाइवर्ट करता हूं तो सामने वाले के माइंड से चली जाएगी। यानी देखिए हम लोग, अगर मैं यहां से कह दूं आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1 का साइन स्क्वायर थीटा होगा। ओके ये तो था कॉस स्क्वायर बराबर, बिकॉज इसका इधर ट्रांसफर करना प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अगर मैं यहां कह दूं आपको कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये रूट में जाएगा 1 का साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। नेक्स्ट आगे मेरे दोस्त आगे बढ़ते क्रम को, यहां मैंने कॉस को साइन को डाइवर्ट किया, अब कॉस को डाइवर्ट करते हैं, कॉस को ट्रांसफर करें, देखिए इधर तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर हो जाएगा 1 का कॉस स्क्वायर थीटा। आगे अगर मैं साइन थीटा की बात करूं
तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ओके, अब दोस्तों देखिए सेकंड बात करेंगे, आगे नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी सरलसमीकरण मेरे पास होती है जिसका नाम होता है एस। पहले मैंने सीखी थी एस सी, दूसरी मेरे पास है एस टी। एस टी का मतलब यह होगा दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, जनरली इसका मान होता है। पहली सरलसमीकरण थी मेरे पास एस सी जिसे हम कहते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। आगे अब भाई देखते हैं इसको ट्रांसफॉर्म दो इस पक्ष दूसरे पक्ष में, तो देखिएगा अगर मैं इसको डिराइव करूंगा तो माइनस प्लस में जाएगा, तो देखिएगा यहां पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाइयों आपको पता होना चाहिए एस टी नाम का शब्द, इससे आपको चिन्हों की गलती होने के काफी सारे चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बार हम लोग रटते हैं तो हम बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो गलत हो जाता है। अगर ये पता है कि एस टी यानी एस से साइन भी होता है सेक भी होता है, ठीक है, तो साइन तो एक बार आ चुका है तो दोबारा आएगा नहीं, दूसरा आएगा सेक स्क्वायर, फिर इसे बनेगा टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने इसको जब ट्रांस किया तो माइनस के कारण प्लस में गया। अब देखते हैं आगे, तो सेक स्क्वायर थीटा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आगे आगे देखिए, अब जनरल मैंने यहां पर इस वाले पक्ष को इधर डाइवर्ट किया, अब मैं इसको इधर डाइवर्ट करता हूं, तो देखिए तो मैंने अगर सेक को यहां पर यहीं रखा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर यहां पे इस 1 को इधर लाऊंगा तो प्लस का माइनस में आएगा और ये टेन इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा दोस्तों, अतः टेन स्क्वायर थीटा होगा। जब स्क्वायर थीटा बराबर ही है तो क्यों ना मैं इसको रूट में ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, इधर ओनली टेन थीटा ही रह जाएगा। ओके दो सरल समीकरण मेरे पास क्लियर। तीसरी जो सरल समीकरण मेरे पास है जिसे मैं कहूंगा सिक्स। अब मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरी सरल समीकरण मेरे पास होती है जिसका नाम होता है सिक्स। अब सिक्स क्या है देखिए आप लोग, एक तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, जनरली इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमेशा होगी एक। अब ये देखिए जनरली मेरे पास तीन बार सी आता है, समझ लीजिए तीन बार सी आता है। अब तीन बार सी आया है तो सी से क्या बनेगा, पहला सी से जो बनता है वो कोस आता है, कि चार्ट में देखिए हम लोग साइन कोस के चार्ट देते हैं तो पहले कोस आता है, यानी एक बार सी से कोस तो निकल चुका है तो दोबारा आएगा नहीं। अब दो बार सी बचे तो अब दोनों सी से क्या होगा, कोस भी होगा और कोट भी होगा। जनरली हम लोग पहले रखें किसको, जनरली हम लोग पहले रखें किसको, तो हम लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो देखो दोस्तों पहले हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो पहले क्या आता है, कोस आता है कोट आता है। जनरली देखो दोस्तों पहले कोस आता है उसका कोट आता है, अगर तीन अक्षरों की तीन अक्षर तुलना करूं तो पहले कोस आता है उसका कोट आता है, या फिर मैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखता हूं तो देखिए दोस्तों तो दो चीज से कैंसिल हो जाएगा और उससे वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फाबेट पहले एस आता है इस बार टी आता है दोस्तों, इसलिए हम पहले कोस को लेंगे। ओके नेक्स्ट आगे चलेंगे दोस्तों, देखिए आगे देखिए भाई
अब मैं अगर किसी पक्ष को दूसरे पक्ष को डाइवर्ट करूंगा, यहां से अगर मैं इसको डाइवर्ट करता हूं तो देखिए सर कॉसेक स्क्वायर का बराबर क्या होगा, तो वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ओके, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर का बराबर वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा लिया, अगर मैं स्क्वायर बराबर ये है तो ओनली ओनली कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा। तो ये दोस्तों नेक्स्ट आगे यही बात आगे की जाए, देखिए आप लोग यहां से इसी जगह से देखते हैं। देखिए आगे अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे, तो दोस्तों जब मैंने इस वाले टर्म को इधर भेजा था तो प्लस में गया, क्यों ना मैं इसको इधर क्या जाऊं और इसको डाइवर्ट इधर कर दूं। देखिए अगर मैं इसको यहां पर ये रखूंगा, देखिए आप लोग तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर स्क्वायर थीटा बराबर पूरा डाटा है तो मैं रूट को लूंगा तो क्या हो जाएगा, ओनली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का और रूट इज इक्वल टू ओनली ओनली कॉट थीटा। ये पूरी कंप्लीटली मेरे पास तीन तरह की संभावना है जिनको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से एक बार रिपीट करा देता हूं दोस्तों। तो देखिएगा स्टार्टिंग मैंने देखा था जो मेरी पहली संभावना थी जिसका नाम था एस सी, एस सी बोले तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दोस्तों एस सी से बनेगा क्या बनेगा आप देखते जाइए, यहां पर एस सी बोले तो हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, जहां पर मैंने साइन को इधर डाइवर्ट किया तो माइनस हो जाएगा, अतः कॉस थीटा बराबर क्या आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप लोग एक बार पूरा देख सकते हैं कंप्लीटली, धीरे मैं आपको एक बार फिर करता हूँ पूरी चीज को कंप्लीटली देखिए दोस्तों पूरी चीज। ये था कंप्लीटली एक बेसिक तीन स्तर समीकरण, अब मैं आपके सामने तीनों स्तर समीकरण एक बार फिर कर देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हम लोग आगे, तो तीनों स्तर समीकरण जो मेरे पास थी इनको एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। पहली स्तर समीकरण जो होती है मेरे पास में होती है एस सी, जिसे हम पहले बोलते हैं जनरली के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बोल। ओके, इसका मतलब ये होगा दूसरी सरल संहिता जिसे हम कहते हैं एस टी, जिसे हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तीसरी संहिता होती है मेरे पास में सी सी, जिसको हम बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। क्लियर मेरे दोस्तों, इन तीनों सरल समीकरण के बारे में लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं टेबल्स की ओर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेजर पार्ट चालू होता है आपका टेबल, देखा जाए टेबल टेबल। अब देखिए त्रिकोण की जो टेबल है मेरे पास, इस टेबल का डिटेल्स में जानकारी लिखें दोस्तों। अब टेबल हल करने के लिए सबसे पहले देखिए आप लोग देखिए, पहला पेज जो मेरे पास होता है वो डिग्री की बात करूं दोस्तों,
तो डिग्री के अंदर पहले तक मेरे पास जो होता है जनरली वो होता है जीरो डिग्री, दूसरा होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, तीसरा होगा 90 डिग्री। हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे त्रिकोणमिति है न्यून कोण पर आधारित, न्यून कोण पर आधारित त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो मेरा आता है थीटा के बेस में, जिसका नाम मेरा वो है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, अगला है टेन थीटा, नेक्स्ट मेरा आएगा वो है कॉट थीटा, अगला मेरा है सेक थीटा, और लास्ट मेरा है कॉस थीटा। अब दोस्तों देखिए, इस पूरी टेबल के अंदर हम लोग सारे मान को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मान लिखते कैसे, किस प्रकार से मान को याद किया जाता है। तो मान याद करने के लिए आपको बहुत शॉर्ट विधि बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग मान याद करने का मेथड। अब मान को याद कैसे करते हैं, या फिर इसके मान को रटा कैसे जाता है, या फिर लिखा कैसे जाता है, हर चीज आप डिटेल से समझिएगा। देखिए मान याद करने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं, जिसके थ्रू हम लोग पूरे कंप्लीटली डाटा लेके चलेंगे। अब दोस्तों देखिए, पहले पे जब सबसे पहले हमें क्या लिखना है हल करने के लिए, तो दोस्तों एक टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखूंगा जीरो, फिर लिखूंगा आपके वन टू थ्री फोर। ओके, सबसे पहले मैंने टेबल बनाने के लिए सबसे पहले लिखा 0 1 2 3 4। ये सारा मान लिखने के बाद समय हम लोग भाग लगाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 4। समय हम लोग डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो देखिए मेरे दोस्तों डिवाइड बाय 4। सबसे पहले मैंने 0 1 2 3 4 लिखने के बाद सब में 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाने के बाद सबको डिवाइड बाय 4 किया, और डिवाइड बाय 4 करने के बाद मैं सबका लगा दूंगा होल। होल लगाने के बाद क्लियर दोस्तों, ये लिखने के बाद में अब हम लोग से मान की ओर बढ़ते हैं। तो मान देखिएगा, अब इनका डाटा लेना है मुझे हल करने के लिए। तो दोस्तों 0 बटे 4 क्या होगा, 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा। अतः मैं यहां पर अपना जो मान लिख सकता हूं आगे बर्बाद। ओके, नेक्स्ट आगे 1 बटे 4 का वर्गमूल ले लेते हैं, तो 1 का रूट क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल आएगा 2 आएगा। क्लियर, अब यहां करें काटें इसको, तो 1 बटे 2 रेखा होंगी ओनली, देखिए 1 बटे 2, और 1 बटे 2 का वर्गमूल लेते हैं तो 1 का वर्गमूल तो 1 आएगा, और इस 2 का वर्गमूल आ जाएगा √2 आएगा। √3 बटे 4 का वर्गमूल लेंगे तो √3 का वर्गमूल तो √3 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और 4 बटे 4 कैंसिल करके तो क्या आएगा ओनली 1। ये मेरे पास कंप्लीटली मान आ चुका है साइन का, और साइन का जैसे मान आता है, अगर साइन के मान को अगर हम लोग आगे पीछे पीछे का आगे करते हैं, इस प्रकार से मान घुमाने जाए आगे पीछे घुमा दें, तो मान बदल जाएगा कोस का, तो कोस का मान बदलेगा। चलो हम बदलेंगे इस मान को, तो देखिए दोस्तों मान बदलने की कोशिश करें, तो ये मान आ गया यहां पे 1, यहां पे आ जाएगा इस जगह पे, यहां पे आ गया आपके √3 बटे का, तो यहां पे सेम आ जाएगा 1 बटे √2, ये 1 बटे 2 यहां आएगा और 0 यहां पे आएगा। ओके, अब जनरली साइन का मान आ गया, कोस का मान आ गया, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ेगा कि टेन थीटा मान क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि टेन थीटा का जो मान होता है भाइयों, वो मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा पड़ेगा। जस्ट इससे पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया था आपको, इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था भी,
ये बढ़ाओ दोस्तों यहाँ पे जगह पे कंसाइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन की जगह पे। तो साइन बटे कॉस होगा टेन थीटा। तो दोस्तों साइन की वैल्यू में अगर मैं एक का बार लगा दूं तो क्या आता है? जीरो है। तो जीरो में किस का बार लगाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। अब एक बटे दो में रूट तीन बटे दो का बार लगाएंगे दोस्तों, ओनली बचेगा मेरे पास वन बाई रूट थ्री बचेगा। ये पूरा सेम है कट जाएगा, ओनली वन बचेगा। और रूट तीन बटे दो में एक बटे दो का बार लगाते हैं तो ओनली रूट तीन बटे बचता है। अब मेन इंपोर्टेंट बात, अगर मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर मैं यहां पर जीरो में अगर किसी संख्या का भाव लगा लेता हूं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, पर अगर संख्या में जीरो का भाव लगाते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, अनंत आती है। ये बात जो थी, तो अगर मैं वैल्यू में जीरो का भाव लगाऊं तो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, अनंत आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। चले को थीटा की वैल्यू को बढ़ेगी। अब दोस्तों को थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो जनरली अभी मैंने पढ़ा था कि टेन का अपोजिट होता है कोट, कोट का अपोजिट होता है टेन। तो क्यों ना इसके वैल्यू अपोजिट कर दें। तो दोस्तों जनरल हम देखते हैं कि कोट बटे साइन होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जीरो का अपोजिट इनवर्स हो जाता है, सीधा सीधा उल्टा हो जाता है जीरो की जगह। या मैं इसको इस प्रकार से घुमाऊंगा दोस्तों, आगे पीछे पीछे का देखिए, यहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये एक बटे रूट तीन इस जगह जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ गए और जो भी होता है आप देखें इसका उल्टा इन्वर्स हो गया, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये है। ठीक है, तो देख लिया गया है ना। कंप्लीटली बात करने के बाद अब देखिए, अगर सेट का मान, सेट का जो वैल्यू मेरे पास हुई वो सेट का मान का कॉस का अपोजिट होता है दोस्तों। कॉस का अपोजिट होगा तो एक का अपोजिट एक होगा, रूट तीन बटे दो का अपोजिट क्या होगा तो दो बटे का रूट तीन हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे पास रूट दो हो जाएगा, इसका अपोजिट दो होगा, जीरो का अपोजिट इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? अब आप लास्ट कॉस का मान देखें तो कॉस का मान सेट का आगे पीछे पीछे डाल कर दें तो ये यहां पर आ गया, ये दो यहां आ गया, ये यहां पर आएगा इस जगह पे और ये यहां पर आएगा और एक लाख चला जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीटली मेरे पास पूरा टेबल का डेवलप हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों अभी नेक्स्ट ये सारा मान हम लोगों ने डिटेल से कंप्लीटली टेबल वाइज टेबल वाइज क्लियर किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो क्लियर किया था वो था मेरे पास में साइन कॉस टेन कॉट सेट कॉस, सारी वैल्यू मुझे पता होने के बाद मुझे इसी का नॉलेज होना चाहिए कि जीरो तेईस पैंतालीस साठ और नब्बे डिग्री की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पे। तो डिग्री में अगर मैंने बात करी है डिग्री में अगर मैंने बात करी यहां पे तो दोस्तों ध्यान दीजिए जीरो तेईस पैंतालीस साठ नब्बे आपको ये पढ़ना होता है। अब हम लोगों ने इसका साइन का मान निकालने के लिए सारी क्रिया को किया है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव फोर तक हम लोगों इसको बढ़ाया आगे, फोर तक बढ़ाने के बाद सबको डिवाइड बाई फोर किया, डिवाइड बाई फोर करने के बाद सबका होल रूट लगाया, रूट लगाने के बाद में जो भी वैल्यू आती है साइन के टेबल में हम लोग उसको पुटअप कर देते हैं। करने के बाद फिर मेरा वैल्यू आएगी कॉस की, कॉस का मान हो जाएगा तो कॉस का मान क्या होगा साइन का पीछे का आगे आगे पीछे चला जाएगा। इसी प्रकार से टेन की बात करें टेन का मान होगा साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होगा दोस्तों क्या हो गया साइन फिर जीरो बटे एक यानी जीरो आ गया, एक बटे दो में रूट तीन बटे दो का बार लगा एक बटे रूट तीन, एक बटे रूट दो में एक बटे रूट दो का बार लगाएंगे एक, रूट तीन बटे दो में एक बटे दो का बार लगाएंगे रूट तीन, एक में जीरो का बार लगा तो इन्फिनिटी आएगा दोस्तों। ये बात तो ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे कोट थीटा की वैल्यू की बात करेंगे तो कोट थीटा मान होता है टेन का अपोजिट होता है जीरो का अपोजिट इन्फिनिटी, एक बटे रूट तीन का रूट तीन एक इसका अपोजिट ये जीरो। इस प्रकार से कंप्लीटली मैंने पूरे टेबल को कंप्लीट किया है दोस्तों। ये था मेरा कंप्लीट मेन पार्ट त्रिकोणमिति का। इसी पार्ट से हम लोग पूरा कंप्लीट है पूरे त्रिकोणमिति बंद करते हैं और अपने सारे क्वेश्चन लगभग लगभग इतने पार्ट सीखने के बाद लगभग लगभग हम लोग सारी चीजों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर जो कि हमारे सिलेबस में दो तरह के पार्ट चलेंगे, तो दोनों तरह के पार्ट हम लोग देखते हैं आगे।
तो पहला पार्ट जो मेरे सिलेबस में आता है, सफल करने की मेरी विधि है, पहला पार्ट जो आता है मेरा, जिससे मैं कहता हूं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो ऊंचाई एंड दूरी, ये पार्ट है। इस पार्ट को पढ़ना हम लोग को पहला, दूसरा अपना इसका पार्ट है जो सेकंड पार्ट है वो है अपना एक्वल एंगल बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री न्यून कोण पर आसन। दोस्तों अगला पार्ट जो अपना आता है, जो मेन पार्ट है ना, पहला पार्ट ये वाला पार्ट, पार्ट को हम कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से समझेंगे। जो अपना पार्ट टू आएगा इसका अगला, अगली क्लास के अंदर हम लोग पार्ट टू के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए फुल ट्रिकों का यूज करेंगे। जब तक आप मेरे पूरे वीडियो का एनालिसिस कीजिए। अगर आपको पूरे वीडियो में कोई भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं कल के वीडियो में सारे इस कमेंट का आपको प्रत्युत्तर दे सकूं। जो भी आपको डाउट आया, जो भी अगर आपको समस्या आई है समझने में, तो आपको मैं सारी बात को कल डिटेल से क्लियर करूंगा। जब तक आप मेरे सारे वीडियो को देखिए दोस्तों, बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाकी धन्यवाद।